यहाँ एक अजीब बात जहन में आई, आपके सामने अर्ज कर दूं कि अबू जहल जब मरने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, कौन इसकी गर्दन लेकर आएगा? तो अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं जाता हूँ। तो जब गए उधर जाकर देखा तो नीचे पड़ा हुआ था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद से ने उसने अपने अपने अपना जो पैर है ना उसकी गर्दन पर यहाँ रखा, यहाँ रख के दबाया तो मूसा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहने लगा, अबे ओ बकरियां चराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पैर रख रहा है तू। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, तुझे तेरी अकड़ अभी भी नहीं गई, यानी तू जा रहा है दुनिया से, तेरी अकड़ नहीं गई अभी तक? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, पहले ये बताओ जंग कौन जीता। कहता है, पूछता है, पहले ये बताओ जंग कौन जीता। कहा, जंग जीत अल्लाह और उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल और उसके हामियों को फतह अता फरमाई और तेरे जैसे अपने दुश्मनों को जलील किया। तो आगे से क्या कहता है? कहता है, जाओ जाकर मोहम्मद को बता दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाकर उनको बता दो, जितनी नफरत मैं उनसे पहले करता था इस वक्त उससे भी ज्यादा नफरत कर रहा हूं, माना नहीं हूं मैं अभी भी। और हां, जब मेरी गर्दन काटो तो थोड़ी नीचे से काटना ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन थी, अकड़ देखो कितनी। तो आप फरमाया करते थे, मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से भी ज्यादा सख्त था। अल्लाह माफ करे, ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से, मूसा के फिरौन ने तो जब फरिश्तों को उतरते देखा तो फौरन कह दिया, आमंतु बिरब्बे मूसा व हारून, और ये मेरा फिरौन देखो आखिर वक्त में भी ये कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, हालत नजा पर तो सब मानेंगे अल्लाह को, हालत नजा पर सब मान जाएंगे, हाँ क़यामत के दिन खड़े होंगे अल्लाह के सामने। रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, या अल्लाह देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, एक चांस और दे दे वापसी का, और कोई चांस नहीं है। तो ये अल्लाह वाले आज हमें कहते हैं, इस बात को पहले मान लो। देखो, दावत दोगे तो यकीन बदलेगा, यकीन बदलेगा तो जिंदगी में आमाल आएंगे, जिस्म से आमाल निकलेंगे, और जब आमाल निकलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद उतरेगी। हाँ देखो, आप सब लोग खुदा के लिए नौजवान कितने बैठे हैं, हाय हाय, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ मेरे दोस्तों, बेकीमत नहीं उठो यहां से। हाँ, हमारी जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करो। हम सब के सब, सारे के सारे आलम के जिम्मेदार हैं इस उम्मत के, एक एक नौजवान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर एक नबी का काम करने की सलाहियत है। हाँ, एक नबी का काम करने की सलाहियत एक एक नौजवान के अंदर है, सलाहियत मौजूद है। फिर अल्लाह काम कैसे ले वो अल्लाह पर मौकूफ है, लेकिन सलाहियत मौजूद है। मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज किया था, हाँ? औरत को देखो, औरत कैसे, मैंने कहा था ना घर चलाती है, औरत को देखो, वाह वाह सुभान अल्लाह। वो एक आदमी आया, या रसूलुल्लाह तीन दिन से भूखा हूं। आपने फरमाया, अच्छा, अपने घरों में पता कराया तो नौ घरों में कुछ नहीं था खाने को। सहाबा से पूछा, भाई कोई ले जाएगा मेरे मेहमान को घर? साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। क्या मतलब? आप ले तो जाएंगे, घर किसके हाथ में? बीवी के हाथ में, बीवी को पता है खाना है नहीं है क्या, वो सब। अब जब घर लेकर गए तो अब उसी लजाजत से बीवी से बात की, क्योंकि मदीने की जो अंसार थे इनकी बीवियां थोड़ी सी जरा सख्त मिजाज थी, बनी भी ना हो तो मसला खड़ा हो जाए, लेकिन वो बनी हुई खवातीन थी, सहाबियात बनी हुई खवातीन थी। कहा, किसको लाए? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूं। वो बनी हुई थी, अहलन वसहलन, अच्छा भूखा है तीन दिन से, कुछ खाने को है? कहा, खाने को तो थोड़ा है, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं हम में से। तो क्या फरमाया? कैसे हो सकता है कि इनको सुला दो, इनको ना खिलाओ, ये खाना इसको दे दो, हम में से कितने कर सकते हैं इस तरह, बच्चे को भूखा सुला दें, रोता पीटता कोई नहीं बेटा सो जा, और खाना ले जाके मेहमान के सामने रख दें। बनी हुई औरतें, देखो औरत कैसे कैसे दीन की दावत मिल रही है इस औरत से। बाप तो कह देता है, अब वो उस मां ने किस दिल से बच्चों को भूखा सुलाया होगा। सो जाओ बच्चों, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बनी हुई औरत, इस उम्मत की औरत कैसी दाइया है। ठीक,
बच्चों को सुला दिया। अच्छा जब खाना लेकर आई तो साहब इब्न कैस से ने मशवरा कर रहे हैं बीवी से, तुम्हारी क्या राय, अगर हम इसको खाएंगे तो ये भी हम भी खाएंगे तो वो बेचारा क्या खाएगा। हाँ तो क्या तय हुआ, ठीक है जब खाएंगे मशल बहाने से बुझा देंगे, सारा खाना इसके सामने रख देंगे, ये खा ले, उसके बाद हम हाथ हिलाते रहेंगे ताकि इसको पता ना चले कि हम नहीं खा रहे। अगर इसको ऐसा लगा तो ये ना हो कि इस बेचारे से खाया ना जाए। बहाने से मशल बुझाई, सारा का सारा खाना लाके मेहमान के सामने रखा, दोनों मियां बीवी हाथ हिलाते रहे उसने खाया, दुआएं दी और चला गया। सुबह को जब आप मस्जिद में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नजर पड़ी, नजर पड़ते ही आप मुस्कुराए और आपने कहा साबित तेरी रात की मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद आई। ये उस औरत की वजह से है, इस औरत की वजह से बच्चे भी दाई हैं, हाँ औरत भी दाईया है। हाँ हिकमत बसीरत से ये हिकमत बसीरत इंशाल्लाह आप जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे अल्लाह आपको सिखाएगा, अल्लाह आपको लिसानुल कौम सिखाएगा। हाँ मुहाजरों में जाओ तो क्या बात करनी है, पठानों में जाओ तो कैसे बात करनी है, पंजाबियों में जाओ तो कैसे बात करनी है, बलोचों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ अल्लाह उन लोगों सिंधियों में जाओ तो कैसे बात करनी है। हाँ हम पठानों को क्रेडिट देते हैं बड़ी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी का, बहुत मेहमान नवाज है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये एक बात जरूर इसमें ऐड करूंगा कि मैंने जो सिंध में मेहमान नवाजी देखी, गरीब गुरबा में इंटीरियर सिंध में, यकीन करो वो मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ ऐसी मेहमान नवाजी नहीं देखी, वो वाकई इतने गरीब होते हैं अपने मुंह का नवाला निकाल के आपको खिलाते हैं। हाँ अल्लाह ने पठानों के अंदर रखा है, मेहमान नवाजी मशहूर है इनकी, लेकिन वल्लाह यकीन करो मैं तो हैरान हो गया। हाँ जो गैरत का मामला है जो हमने बलूचिस्तान में देखा, वाह 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 वाह। हाँ, जो हमने जो दीन पर नहीं आ रहा वो एक तरफ, जो दीन पर आ रहा है उसकी दीनदारी देखकर हम हैरान रह जाते थे, अरे वाह 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 वाह। तो हम कहते थे कितना बड़ा मैदान है यार, यहां मैं क्यों नहीं जा रहा। 10 दिन की जमात बनाकर मैं और भाई सईद सब कोयटा गए, फिर उसके बाद 10 दिन हमने कोयटा में लगाए, फिर हर लाइन का आदमी आके हमसे मिला, हर लाइन का आदमी आके मिला। हाँ? और भाई पंजाब के लोगों तुम्हारे पास तो रायवेंड है, खुशकिस्मत हो तुम लोग। तो मेरे अजीज दोस्तों ये उम्मत सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बहुत मेहनत करके ये उम्मत बनाई है, बहुत मेहनत से ये उम्मत बनी है, इनके खून और पसीने में तैर के ये उम्मत बनी है। हम एक उम्मत हैं, हम कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। वी आर नॉट अ नेशन, वी आर एन उम्मा, हम उम्मत हैं। और मिन हैसुल उम्मा हमारी तारीफ हुई भी है कुरान के अंदर, मिन हैसुल उम्मा। दूसरी कौमों का भी तो जिक्र है, हाँ